अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहसिन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि फ्रेंड, आज मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ जो आप हैरान हो जाएंगे इस वेबसाइट पे आके। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी इमेज या किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हैं और उसे एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। तो मैं इसी पे ही आज का टॉपिक है हमारा। तो हम कैसे 5 सेकंड में इमेज की बैकग्राउंड और उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो फ्रेंड, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसे ओपन करें और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप रिमूव डॉट बी जी सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हुई है। तो फ्रेंड, इसमें आपको कुछ कैटेगरी भी शो हो रही हैं जो तस्वीरों को चेंज करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड, इस पर आकर हमने करना ही क्या है, यहाँ पर सेंड आ फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज को ओपन कर लें। तो फ्रेंड, आप जैसे ही ओपन करेंगे ये कुछ लोडिंग हुई है, इसके बाद आपकी यहाँ एक इमेज शो होगी और इसकी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव होकर आपके सामने शो हो गई है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसे मैं एडिटिंग करना भी बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर एडिटिंग पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का बॉक्स ओपन हुआ है, ये आप फर्स्ट ही देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी कैपेसिटी कम की है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ रिजेक्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो सकी। तो फ्रेंड, ये मैं रिजेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपली इसी तरह रिजेक्ट करना है अपने माउस के साथ, या आपका मोबाइल है तो मोबाइल में भी हो जाता है ये काम। ये दो वेबसाइट दोनों पर इस्तेमाल हो सकती है, मोबाइल पर भी और कंप्यूटर पर भी। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड, ओनली 5 सेकंड में ये आपकी बैकग्राउंड रिमूव करके दिखा दिया इसने। बाकी एडिटिंग का ऑप्शन है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी कर देता है। मैं इस वेबसाइट पे आके बहुत मुझे फ़ायदा मिला है। मैं बहुत तंग होता था अपनी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, लेकिन इस वेबसाइट ने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया है फ्रेंड, इसीलिए मैं कहता हूँ आज आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो मैंने आपको बताने हैं। तो फ्रेंड, वहाँ से रिमूव होगी, आप देख सकते हैं किस तरह मुकम्मल रिमूव हुई है, कोई इशू नहीं आ रहा फ्रेंड। तो आप फिर जहाँ जहाँ रह गई है वहाँ से रिमूव इसे कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद फ्रेंड, इसमें एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मुकम्मल कैपेसिटी भी आपको शो करा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मुकम्मल तस्वीर देख सकते हैं, आपकी मुकम्मल बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है और अब इस पर हमने एडिटिंग करनी क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, ये कलर आप लगाएंगे तो इसकी बैकग्राउंड पे आ जाएगा और साथ ही फ़ोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड भी इसने दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये चॉइस करके दिखाता हूँ, ये पहली लगाई है, उस पर सेट नहीं हुआ तो ये दूसरी लगाई है। तो फ्रेंड, इसमें काफ़ी सारी तस्वीरें वॉलपेपर हैं जो आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं तस्वीर के मुताबिक ही कोई बैकग्राउंड लगा रहा हूँ जो तस्वीर को खूबसूरत भी बना दे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये एक वॉलपेपर चॉइस किया है। तो इसी पे ही मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको सेंड ऑफ फ़ोटो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अगर यहाँ से कोई बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रही तो आप अपनी जो आपके पास बैकग्राउंड है आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसी की चॉइस की है तो ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर ब्लर पे लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा आगे करेंगे ये डिम हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये इसके बैकग्राउंड के साथ ही मेरी पिक्चर मैच हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह आप एडिटिंग कर सकते हैं और आप इसे सिंपली सेव पर
क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर सेफ हो जाएगी। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आप ये दे सकते हैं फुल सेल्फी स्टाइल मेरा आ चुका है। तो फ्रेंड ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब पर पिक्स मैंने एडिट की है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट में आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।